डिस्कस 1 to 60 क्वेश्चन ऑलरेडी। ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये टेस्ट है हमारा, ये इंडियन पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग है और लास्ट स्टेज के अंदर खत्म होने के। क्वेश्चन नंबर 61 ये है, विद रेफरेंस टू द ट्राइब्यूनल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गलत है ये, होम अफेयर के अंदर नहीं आता ये, पहली बात तो। दूसरी बात तो ये है कि ये आर्टिकल नंबर 323 के थ्रू बना है, ठीक है, CAT कैट जो होता है, और जो ये आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर में आता है, ठीक है। पढ़ते हैं, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत हो गए बच्चों, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं, देखो इसमें लिखा है द कैट स्टेबलाइज अंडर द आर्टिकल 323 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड टू द पब्लिक ऑफिस, ठीक है जी। इट फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द अंडर ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, ये इसके अंडर में आता है। तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा, फर्स्ट नाइदर वन एंड टू आंसर इसका, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, विद रेफरेंस टू द प्रेशर ग्रुप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट एक्ट एज अ लेजन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट इज मेंबर, सही है, हिंदू मजदूर सभा या भारतीय मजदूर संघ एंड लिबरल प्रोग्रेशन फेडरेशन आर सम ऑफ द ट्रेड यूनियन इन द इंडिया। सही बात है, प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाते हैं। 1 and 2 दोनों आंसर सही है बच्चों, बोथ आंसर होगा सी। 63 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर द डिवाइस ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो पीपल्स ऑफ द इंडिया वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। बट इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव का मतलब ये है कि, चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास, जो फर्स्ट में क्या है कि जो उसमें क्या होता है कि जो इंडिया के जो कई एरिया के पीपल्स हैं वो वोट देते हैं, ठीक है, उनसे ओपिनियन मांगा जाता है कि भाई रेफरेंडम क्या है, कि उनकी सोच क्या है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, उसे कहते हैं। रिकॉल क्या होता है, रिकॉल में क्या होता है कि भाई जो लेजिस्लेशन जो होता है, जो वहाँ के जो पीपल्स हैं वो उनको वापस बुला सकते हैं, अपने चुने हुए लोगों को, उसे रिकॉल कहते हैं। इनिशिएटिव क्या है, जो पीपल्स हैं उस एरिया के वो ये कह सकते हैं कि भाई हम अपना जो ये आदमी है उसको हटाने की इनिशिएटिव प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तीनों हालांकि यहाँ पर होते नहीं हैं, पर लेकिन ये तीनों हमारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो, रेफरेंडम इज़ अ प्रोसीजर वेयर बाई प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज़ रेफर्ड द इलेक्टोरेट्स फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट। रेफरेंडम हम इसलिए भी करा देते हैं कि लोगों के ओपिनियन भी माना जा सके कि भाई रेफरेंडम करा दिया, लोग क्या रेफरेंडम ही करा दिया कि जम्मू कश्मीर में लोग जम्मू कश्मीर में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। इनिशिएटिव इज़ अ मेथड बाय मीन द विच पीपल्स कैन प्रपोज अ बिल टू रेजिग्नेट फॉर इनेक्टमेंट। तो इनिशिएटिव क्या है कि पीपल ने इनिशिएट कर दिया, बिली कर दिया कि भाई इन्हें निकालो, हटाओ उस प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को या किसी मंत्री को। रिकॉल में क्या होता है, रिकॉल इज़ अ मेथड बाय मीन ऑफ द वोट्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिस बिफोर द एक्सपायर ऑफ द हिज डेट एंड ही फॉल्स डिस्चार्ज हिज ड्यूटी प्रॉपरली, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आपके 1, 2, 3 तीनों डी आंसर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं, विद रेफरेंस टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC। तो पहला है JPC एडो कमेटी है पार्लियामेंट की, सही है। इट इज़ अ सेटअप फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ड्यूरेशन, ये भी सही है। द डिटेल रिगार्डिंग द मेंबरशिप सब्जेक्ट आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, गलत है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है JPC के चीज़ें, जो भी चाह रहा है जो भी है। तो JPC इज़ अ एडो बॉडी, पहली बात। इट इज़ अ सेटअप द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन, ये भी सही है। JPC सेटअप इज़ अ ओमिशन पास्ड इन वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड एग्रीड बाय द अदर एंड डिटेल एंड रिगार्डिंग मेंबरशिप सब्जेक्ट आर आल्सो डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट नोट प्रेसिडेंट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं, ये आपको डायरेक्ट याद करने का है। स्टाफ सर्विस कमीशन हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर में आता, सही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर नहीं आता। सेंट्रल गवर्नेंस भी हमारा नहीं आता, तो इसका आंसर ओनली 1 होगा। इसको आप ये लिस्ट याद कर सकते हो कि भाई CBC किसके अंडर में आता है, फाइनेंस कमीशन किसके अंडर में आता है, यूनियन पब्लिक मिनिस्टर के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल आता है, इंटरस्टेट काउंसिल हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, SSC हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर में आता है, नेशनल कमीशन ऑफ SC और ST हमारे पास, जो SC है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में आता है, ST हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर में आता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर में आता है, जनरल काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा CBI मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर में आता है। क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर चलते हैं, द प्रेजिडेंटिंग ऑफिसर ऑफ द ग्राम न्यायालय इज अपॉइंटेड बाय, तो आंसर का सी, स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्ट ऑफ रिलेटेड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट ग्राम न्यायालय का प्रेसिडेंट ऑफिसर को नियुक्त करते हैं। तो 66 का आंसर सी, अच्छा क्वेश्चन है ये।
77 पे चलते हैं विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले कह रहा है 1/6 मेंबर टोटल मेंबर आर ग्रेजुएटेड ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग एंड एसिडिंग विद इन द स्टेट। गलत है, 1/12 है। 1/12 मेंबर जो हैं ग्रेजुएट लोग चुनते हैं जो 3 साल के जिनके प्रोग्राम है। 1/3 तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड है हमारा 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज लाइक म्यूनसिपालिटीज़। गलत है, 1/3। 1/3 मेंबर जो होते हैं म्यूनसिपालिटीज़ के लोग चुनते हैं जैसे लोकल बॉडीज़ होती हैं। 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स ऑफ द 3 ईयर स्टैंडिंग इन द स्टेट। ये भी गलत है, 1/12 है इसका भी। 1/12 मेंबर जो होते हैं वो भी टीचर चुनते हैं जिन स्टेट के अंदर जो 10वीं से नीचे नहीं 10वीं से ऊपर तक के स्कूल में टीचर होने चाहिए। तो 1, 2, 3 तीनों आंसर गलत है, नन आंसर इसका। ठीक है जी, तो आप इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द गवर्नर। ही अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्यूर ऑफ द ऑफिस। सही है। ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये भी सही है। ही कंसल्ट द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर 5 ईयर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज। ये भी सही है। इट मेक अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इन द कंसल्ट विद हाई कोर्ट। ये भी सही। 1, 2, 3, 0, 4 आंसर बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप इस क्वेश्चन को। तो 1, 2, 3, 0, 4 आंसर सही होंगे, डी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। विद द डिफेंस ऑफ द एडवाइजरी ज्यूडिशियल सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट इज अ नॉट बाउंडेड टू गिवन ओपिनियन ऑल मैटर टू द प्रेजिडेंट मे रेफर टू। सही बात है, जरूरी थोड़ी कि प्रेजिडेंट उसे देगा देगा, जरूरी नहीं है ये। तो आंसर सही है। ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट बाइंडिंग। देखो बाइंडिंग तो किसी पे है ही नहीं, आप कहीं भी तुक्का मार दो। ना प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है, ना पीएम पे बाइंडिंग है, ना पार्लियामेंट पे बाइंडिंग है, कुछ तो होता ही नहीं बाइंडिंग। तो 1 और 2 आंसर होंगे सी, बोथ 1 और 2। 70वें क्वेश्चन पे आते हैं। विद द रेफरेंस टू द स्पेसिफिक ऑफिस ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए चलते हैं। द प्रोसीज ऑफ द रिमूवल ऑफ द स्पेशल ऑफिस ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, प्रोवाइड नहीं है इसका, कैसे हटाना है। ये पोस्ट ही बाद में बनी है पहली बात तो, ठीक है जी। दूसरी बात है कि द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ऑफिस ऑफ द लिंग्विस्टिक आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेजिडेंट। ये गलत है, सीधा पहले सिर्फ रिपोर्ट दी जाती है उसके अंदर प्रेजिडेंट को, उसके बाद जाती है। तो बच्चों आंसर इसका सेकंड गलत होगा, फर्स्ट का आंसर होगा। आप पढ़ोगे तो यहाँ पर एट द सेंट्रल लेवल कमीशन फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर। ही सबमिटेड हिज एनुअल रिपोर्ट एंड अदर रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट थ्रू द यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।